हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। उन्नाव में रविवार रात कोटेदार की बेटी की सिर और चेहरे को बुरी तरह से कुचलकर हत्या कर दी गई। देर रात खेत की रखवाली करने जा रहे एक किसान ने सड़क किनारे कोटेदार के बेटे का शव पड़ा देखा तो वो चीख पड़ा। उसने तुरंत ही गांव में युवक के परिजनों और पुलिस को घटना की जानकारी दी। गांव के लोग तुरंत ही शव की तरफ भागे तो छत विच्छत शव को देख सभी सहम गए। कोटेदार के बेटे की हत्या इस तरह से किसने की होगी अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया। मृतक के भाई ने किसी से रंजिश होने की बात से साफ इनकार किया है, लिहाजा अब पुलिस हत्या की असल वजह तलाशने में लगी है। शंका किसी से विवाद किसी प्रकार का? कोई जानकारी नहीं कि किस हिसाब की मर्डर किसने किया है, किसी पे शंका कोई? मिल रही जानकारी के मुताबिक बारा सगवर थाना क्षेत्र के ललनमन खेड़ा के मजरे रौतापुर के रहने वाले 26 साल का पुष्पेंद्र उर्फ रिंकू खेती का काम करता था। रविवार शाम 7 बजे वह पत्नी प्रिया से हाथ की उंगली में लगी चोट दिखाने बाइक से भदेवड़ा स्थित क्लिनिक जाने की बात कहकर निकला था। काफी देर तक न लौटने पर प्रिया ने पुष्पेंद्र को फोन किया तो उसने जल्द ही घर लौटने की बात कही। रात 11 बजे प्रिया ने दोबारा फोन किया तो किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। इसी दौरान खेत की रखवाली करने जा रहे गांव के किसान ने नहर के किनारे पुष्पेंद्र का लहूलुहान शव पड़ा देखा, जिसके बाद किसान तुरंत गांव भाग कर आया और मृतक के पिता राम नरेश को पूरी घटना की जानकारी दी। हत्या की बात सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत ही इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंच गई। पूंछ गांव चौकी प्रभारी राजीव कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। शव से लगभग 20 मीटर दूर पुष्पेंद्र की बाइक पर मिली। मृतक के बड़े भाई पुष्पराज सिंह ने अज्ञात लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी वजनी ईंट या पत्थर से माथे चेहरे और दाहिने हाथ पर वार करने की पुष्टि हुई है। पुष्पेंद्र की हत्या के मामले में घटना स्थल से पुलिस को उसका मोबाइल नहीं मिला। पुलिस सर्विलांस की मदद से कॉल डिटेल खंगाल रही है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार पुष्पेंद्र कड़क स्वभाव का था, आए दिन उसका लोगों से झगड़ा होता था। पिता के कोटेदार होने से गांव की राजनीति में भी उसके परिवार का दखल रहता था। हालांकि परिजनों का कहना है कि उसकी किसी से रंजिश नहीं थी। पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए कई एंगल देख रही है। जांच के दौरान पुलिस को मृतक के शव के पास से 2 जोड़ी चप्पलें मिली हैं। इससे हत्या में एक से अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि पुष्पेंद्र लंबा चौड़ा था, ऐसे में एक व्यक्ति उसका कुछ बिगाड़ सके ऐसा लगता नहीं है। लगता है कि हत्या में 3 से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। वहीं पुलिस कहना है कि हत्या की वजह प्रेम प्रसंग या राजनीतिक रंजिश हो सकती है। बहरहाल ये पुलिस का अंदाजा है। हत्या की असल वजह तभी सामने आएगी जब पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत लगे। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव UDGP।